नमस्कार, नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है वो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज वालों के लिए है, और वो है बहुत ही उनकी फेवरेट, ये चिकन पिज़्ज़ा। तो चिकन पिज़्ज़ा अगर नहीं खाएं तो मज़ा ही नहीं आता फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस और यमी बनने वाला है ये चिकन पिज़्ज़ा। स्पेशली जब हम घर पे इन दिनों सब कुछ बना रहे हैं, बाहर से नहीं ला रहे हैं, तो चिकन पिज़्ज़ा को तो सभी जने मिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डोमिनोज जैसे टेस्ट वाला चिकन पिज़्ज़ा। तो चलिए एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन के पीसेस लिए हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कितने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। एक एक इंच के बहुत ज़रा ज़रा से टुकड़े मैंने काटे हैं। छोटे इसलिए काटे हैं फ्रेंड्स क्योंकि जितना छोटा साइज़ रखेंगे हम पिज़्ज़ा पे सब तरफ स्प्रेड कर सकेंगे, और हर बाइट में हमारे मुँह में एक चिकन का पीस ज़रूर आना चाहिए, वरना उसको बीच में से काट के खाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको मैरिनेट करेंगे पहले। तो मैरिनेट करने के लिए मैं ले रही हूँ नमक 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं यहाँ पर, और 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्ची, और इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 नींबू का रस लेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमारा चिकन बहुत थोड़ा ही है, तो 1/2 ही नींबू का रस लिया है, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा हम लेंगे ये 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इसके अलावा फ्रेंड्स हम लेंगे इसके अंदर ये 1 चम्मच मैंने दही लिया है। मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, दही हंकड़ नहीं लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अब हम इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स, ताकि चिकन के एक एक पीसेस पे ये मैरिनेट की कोटिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, आप इसको फ्रेंड्स बाहर भी रख सकते हैं। तो ये चिकन मैरिनेट हो चुका है, और अब मैं इसको फ्रिज में से निकाल लिया, ये थोड़ा सा जम गया है, आप ये देखिए, इसमें से आप फ्रिज के वो धुआं सा निकलता हुआ देख रहे हैं ना, ये फ्रिज में से लाई हूँ मैं जस्ट अभी निकाल के। तो अब हम इसको करेंगे फ्रेंड्स कुक, क्योंकि हमें इसको पिज़्ज़ा पे लगाने से पहले कुक करना है। तो लो फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी लगभग 10 मिनट के लिए, उसमें ये बहुत ही आराम से कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं एक बार इसको खोल करके अभी चेक करूँगी। तो ये देखिए मैंने खोला है, इसमें काफ़ी सारा जो मॉइस्चर था लेकिन पानी कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। 5 मिनट अभी इसको मैं और पकाऊंगी। तो ये देखिए अब 5 मिनट और हो चुके हैं, अभी थोड़ा मॉइस्चर बाकी है, तो इसको हम हाई फ्लेम पर इसका मॉइस्चर को सुखा लेते हैं, ताकि इसके मसाले जो है ना अच्छे से इसके ऊपर चिकन के ऊपर बढ़िया से चिपक जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर इस समय आप थोड़ा सा नींबू का रस और भी डाल सकते हैं, और ओरिगैनो पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया था। तो ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है बगैर उसमें पिज़्ज़ा में डाले। अब ये देखिए मैंने इसके सिवा जो है कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, मैंने यहाँ पे हरी पीली और लाल शिमला मिर्च ली हैं, और थोड़े से प्याज लिए हैं कटे हुए मैंने, इन सबको हम डेकोरेट करेंगे, इससे पिज़्ज़ा बहुत ही कलरफुल और बहुत हेल्दी भी हो जाएगा। सब्ज़ियाँ जो डाल रहे हैं हम उसके अंदर, सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद की ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और मैंने लिया है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ 1/2 कप, और मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टमाटो सॉस लिया है। सब्ज़ियों में आप और यहाँ पे और कुछ ले सकते हैं, आप स्वीट कॉर्न ले सकते हैं और ऑलिव्स ले सकते हैं। तो ये मैंने मीडियम साइज़ की मेरी बेकिंग ट्रे ली है, अब मैं इसमें पिज़्ज़ा रख रही हूँ। ये मेरा पिज़्ज़ा बेस जो है मेरा होममेड है, ये मैंने स्मॉल साइज़ का बनाया है, तो अब मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 2 चम्मच अब हम इसमें डाल लेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और उसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। तो इसकी रेसिपी मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं करी है, अभी थोड़े से दिन में मैं इसकी भी रेसिपी डालूंगी पिज़्ज़ा बेस बनाने की। तो अब मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस डालूंगी। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे इसके अंदर हमारे चिकन के पीसेस, उससे पहले हम एक लेयर बिछा लेते हैं मोज़रेला चीज़ की, क्योंकि चीज़ तो जितना ज़्यादा हो पिज़्ज़ा के अंदर उतना ही मज़ेदार लगता है, और उतने ही बढ़िया उसके जो तार खींचते हैं ना वो जो टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब हम चिकन इस पर स्प्रेड करेंगे, और यहाँ पर आपको ये देखना है कि चिकन बहुत अच्छे से डालिए। ये जितना भी मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये सारे जो है इससे मेरे फ्रेंड्स 3 पिज़्ज़ा बनके तैयार हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये चिकन देखिए मैंने कितना सारा स्प्रेड किया है, हर बाइट में सब्ज़ी आनी चाहिए, हर बाइट में एक चिकन का पीस मुंह में ज़रूर आना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। अब ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, ये सब्ज़ियाँ भी इसमें ऐड हो चुकी हैं, और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ जो बच्चे खाना चाहें। मैंने यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ ली हैं, अब मैं इसको करूँगी एक बार और मोज़रेला चीज़ से कवर। यहाँ पे आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा,
फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे एक चीज़ बस पिज़्ज़ा की रेसिपी भी डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गज़ब की थी। तो अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा गया हमारा अवन में। तो ये देखिए आप, कितना बढ़िया चीज़ मेल्ट हो रहा है, ये कितना गज़ब का लग रहा है। तो ये हो चुका है अब हमारा बेक, तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए आप, कितना गज़ब का लग रहा है, और ये चिकन के पीसेज हैं एकदम सेट हो गए हैं चीज़ के अंदर, और बहुत ही बढ़िया महक आ रही है, इनका टेस्ट भी बहुत ही गज़ब का है। तो अब फ्रेंड्स, हम इसमें ढक कर लेते हैं सीजनिंग। उसके लिए ये मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो पाउडर ले रही हूँ मैं, इसको मैं अच्छे से स्प्रिंकल करूँगी। हमने इसको पहले यूज़ नहीं किया, वरना थोड़ा सा फ्लेवर कम हो जाता है, आप दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि चिकन का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा ड्राई का गार्लिक पाउडर तो बनता है, ये भी मैं थोड़ा सा इस कर लेती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। बिल्कुल इंतज़ार ही नहीं हो रहा मेरे बेटे को, तो उसको तो इतनी खुशबू आ रही है कि मम्मी आप फटाफट से जल्दी से सर्व करो। आपको लग रहा है मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काट रही हूँ, क्योंकि वो चिकन के पीसेस आ रहे हैं बीच में, तो थोड़ा कटने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक पीस पर, ये बहुत ही हॉट है अभी आल, तो इससे निकालते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए अब आप कितना गज़ब का बना है, ये देखिए ना, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। इसमें ये जो आप बनाएंगे ना, तो ये चिकन के पीसेस का तो टेस्ट आप लेते ही रह जाएंगे, और मन ही नहीं भरेगा बिल्कुल भी। ये देखिए आप चिकन के पीसेस देखिए कितने बढ़िया सिके हुए और कितने बढ़िया हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये गल गए हैं चिकन के पीसेस, और बहुत ही टेस्ट भी इनका बहुत ही बढ़िया है, कमाल का है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ही बढ़िया बनने वाली है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो चुका है ये। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आगे भी डालने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, वरना भूल जाएंगे आप। ओके फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना तो नहीं भूलें ना, वो भी कर लीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।